नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनल रिचारिया आज आपसे बात करूंगी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। गर्मियों के दिनों में कई बार ये इन्फेक्शन बार बार होता है, महिलाएं बहुत अधिक परेशान होती हैं। महिलाओं में ये यूटीआई होने की संभावना पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका यूरेथ्रा वजाइना से थ्रू कनेक्टेड होता है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से उस यूरेथ्रा से ऊपर चढ़ जाते हैं। इसको कहते हैं असेंडिंग इन्फेक्शन। ये असेंडिंग इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा महिलाओं में इसीलिए पाया जाता है क्योंकि उनके यूरेथ्रा की लेंथ छोटी होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू मेल्स के। तो अब हमें उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा पीना है। दूसरा, अगर आपको बार बार ये इन्फेक्शन हो रहा है तो आप ये पता लगवाइए कि कहीं आपको शुगर की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि शुगर पेशेंट्स को भी इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। दूसरा, आप अपने मन से एंटीबायोटिक या कोई मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक खाने से पहले अपना यूरिन का टेस्ट ज़रूर दे दें। उससे ये फ़ायदा होता है कि यूरिन के टेस्ट में जो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी होता है उससे ये पता चल जाता है कि इन्फेक्शन कितनी मात्रा में है। अगर इन्फेक्शन अधिक मात्रा में है तो आपको एंटीबायोटिक का डोज ज़्यादा लगेगा, अगर इन्फेक्शन कम मात्रा में है तो एंटीबायोटिक का डोज कम लगेगा। दूसरा, ये यूटीआई की समस्या मीनोपॉजल वुमेन या जो महिलाएं जिनका महीना ख़त्म हो चुका है उनमें ज़्यादा होती है। इसीलिए ज़्यादा होती है क्योंकि नीचे के एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट प्रोन हो जाता है इन्फेक्शन के। तो हर मीनोपॉजल या उम्र दराज महिलाओं को ये ध्यान रखना है कि अपना वजाइनल क्लीनिंग और वजाइनल हाइजीन का विशेष ध्यान रखें। अगर उसमें ज़्यादा ड्राइनेस आ रही है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, पानी अधिक से अधिक मात्रा में पिएं और कोशिश करें कि काले नमक का किसी भी रूप में सेवन करें। नारियल पानी अगर आप पी सकते हैं तो वो भी आपके यूटीआई को कम करने में बहुत मदद करेगा। पर अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको बार बार लगातार हो रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति में आपका थोरो चेकअप होना ज़रूरी है और आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद।